हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक टेक्निकली रहा। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम पाइथन प्रोग्रामिंग में इफ कंडीशन का यूज़ कैसे करेंगे। उसके लिए या तो आप कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ कर सकते हैं या पाइथन का आईडीई यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम पाइथन शेल भी बोलते हैं। यहाँ पर फिलहाल मैंने उसका शॉर्टकट पहले ही से रखा है, अदरवाइज आप सर्च बॉक्स में जाएंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे आईडीई। ये देखिए फर्स्ट वन आ गया, इसको क्लिक कर दीजिए। देन यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसका विंडो ओपन हो जाएगा। इसको मैं साइड पर थोड़ा रख लेता हूँ। जो भी आप कोडिंग करेंगे ये जस्ट उसका रिजल्ट शो करेगा। सो जिस फाइल में हमें पूरा प्रोग्राम लिखना है उसके लिए आप फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, अदरवाइज आप कंट्रोल एन भी कर सकते हैं। सो इस विंडो को मैं थोड़ा स्मॉल कर लेता हूँ, यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ इस वन। नाउ अब देखिए मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम क्रिएट करूँगा कि कैंडिडेट की अगर एज है 18 तो वो एलिजिबल फॉर वोटिंग हो, अगर नहीं है तो वो नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग हो। उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा एज इक्वल टू 18। देन आफ्टर डैट यहाँ पर मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 ब्रैकेट। यहाँ पर देखिए आप कॉलन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, अगर आप अदर लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, C++, जावा, उसमें इफ कंडीशन इफ एल्स स्विच के बाद कोई भी आप यहां पर कॉलन या सेमी कॉलन नहीं लगाते, लेकिन इन पाइथन आपको इस कॉलन का यूज़ करना पड़ेगा, तभी आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। एंटर किया, देन यहां पर मैंने प्रिंट में मैसेज दे दिया एलिजिबल फॉर वॉट, या आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, यहाँ लिख दीजिए यू कैन वॉट। कोई भी कंडीशन के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, लाइसेंस के लिए भी ऐसा अगर आप फॉर्मेट क्रिएट करना चाहें कर सकते हैं। नाम देखिए, सबसे पहले आप प्रोग्राम को सेव करेंगे, मैं प्रोग्राम का नाम दे रहा हूँ VT, तो सेव कर लिया। नाउ उसके बाद इसको रन करने के लिए रन में जाइए, यहाँ देखिए रन मॉड्यूल आ रहा है, अदरवाइज F5 का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको रन करिए, अब देखिए यहाँ पर आ रहा है यू कैन वोट। अगर यहाँ पर मैं एज कर दूँ एग्जाम्पल के लिए 16, अगेन मैंने इसको सेव किया, फाइल में जाइए सेव कर दीजिए, अदरवाइज कंट्रोल एस भी कर सकते हैं। रन पे जाऊंगा मैं, जब रन मॉड्यूल करूंगा यहाँ पर देखिए कोई यहाँ पर रिजल्ट शो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज यहाँ पर मेरी कंडीशन फॉल्स हो रही है। सो अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो ये यहाँ पर मेरा दिस प्रूफ जो मेरा ब्लॉक है वो करेगा, लेकिन अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है, यहाँ पर देखिए मेरा कोई भी रिजल्ट शो नहीं हुआ, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एल्स ब्लॉक। एंटर करिए, यहाँ पर लिखिए एल्स। एक चीज़ और याद रखिए, एल्स के बाद भी आपको कॉलन देना पड़ेगा। अगेन यहाँ पर आप मैसेज देंगे प्रिंट, इन्वर्टेड कॉमास में लिख दीजिए यू कैन नॉट पॉट। मैसेज कोई भी दे सकते हैं, ये तो मैंने सिंपल दिया, अदरवाइज आप मैसेज ये भी दे सकते हैं एलिजिबल फॉर वोटिंग, यू आर एलिजिबल फॉर वोट, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। सो ये मैंने मैसेज दिया। आफ्टर डैट अगेन इसको फाइल में जाइए सेव करिए, उसके बाद रन में जाइए रन मॉड्यूल करिए। अब देखिए यू कैन नॉट वॉट क्यों आया, बिकॉज यहाँ पर देखिए मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई है। फॉल्स के अकॉर्डिंग मेरा फॉल्स ब्लॉक काम करना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग मेरा कंडीशन मैच नहीं हो रहा। अगर यहाँ पर मैं एज देता हूँ 50, तो रन में जाएंगे अगेन, इसको मॉड्यूल रन करेंगे, यहाँ पर कहता है सेव करिए, सेव कर लीजिए। देन यहाँ पर देखिए यू कैन वॉट। सो मीन टू से अगर यहाँ पर आपका कोई भी रिजल्ट इक्वल टू और अबव होगा 18 के, तो वहाँ पर मेरा दिस ब्लॉक वर्क करेगा, जिसको हम बोलेंगे ट्रू ब्लॉक। अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो दिस ब्लॉक मेरा वर्क करेगा। और एक चीज़ और याद रखिए जो मैंने आपको बताई, कोई भी कंडीशन लगाते हैं इफ इफ एल्स या एलिफ। एक और यहाँ पर आपको मैं चीज़ बता दूँ कि अगर आप पाइथन यूज़ कर रहे हैं वहाँ एल्स इफ नहीं होगा, वहाँ पर होगा एलिफ, ELIF। वो हम फिलहाल नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको बताएंगे। और ये तो जो मैंने यहाँ पर पूरा प्रोसीजर यूज़ किया है, ये सारा जो मैंने रिजल्ट आई यहाँ पर वैल्यूज़ मैंने रन टाइम पे नहीं स्टार्टिंग टाइम में चेंज की है, कांस्टेंट वैल्यू रखी है, उसके अकॉर्डिंग जब मैं रन कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मेरा रिजल्ट आ रहा है। तो यूज़र के थ्रू वैल्यूज़ कैसे देंगे, आर्गुमेंट्स कैसे देंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो फ्रेंड्स इसको करके देखिए, यहाँ तो मैंने सिंपल कंडीशन ली है, कोई भी अपने वर्क के अकॉर्डिंग कंडीशन ले सकते हैं। आप कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।